अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। ब्रह्मनवाड़ी माताजी नगर में मेरा मकान यहाँ पे लिया हूँ मैं 2018 में। 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि ये प्लॉटिंग हुई तब से हम आज तक के ये परेशानी में है। भाई क्या हो रहा है, FTL में आता इसमें आता बोल के GHMC वाले आके तोड़ दे रहे। 3 मरतबा तोड़ दिया ये मकान, हम 3 बार भी फिर से खड़ा करे बनाए। सनोवर बेग साहब हमको यहाँ से थोड़ी मदद करे, हम बना लिए, फिर भी बना के हम रह रहे, फिर आप वार्निंग दे के जा रहे कि हम तोड़ देंगे करके। GHMC वाले FTL में आता बोल रहे हैं। FTL कहाँ से आता, ये टैंक बॉन्ड यहाँ से 300 मीटर 350 मीटर दूरी पे है, पीछे एक नाला है जिसकी जमीन भी थोड़ा 200 मीटर पे है, वो भी हमारे भी ये बता रहे ऐसा ही है। ये GHMC वाले हम बहुत परेशान कर दे रहे थे, हमारे कुछ मदद कीजिए। हम रेवंत रेड्डी साहब से और कांग्रेस गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोगों की गरीबों की मदद की। रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं परवीन बेगम बात कर रही हूँ। मैं बेगमपेट में 2016 में माताजी नगर में जमीन खरीदी थी, 30-35 लाख रुपए देके जमीन खरीदी थी मैं, और मेरे को शौहर नहीं है। मेरे शौहर जो भी पैसे कमाए थे वो पूरे पैसे देके मैं जमीन खरीदी थी। 2016 में भी हम लोगों को ऐसी नाजायज तकलीफ दिए TRS वाले, और 2018 में भी यही तकलीफ दी हम लोग को। हम लोग गरीब मेहनत मजदूरी करके जीने वाले लोग हैं, ऐसी आके हम आपको बल्दिया वाले तकलीफ दिए तो हम गरीब लोग कहाँ जाना, आप लोग बोलो। मेरे को छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, मैं बेवा औरत हैं, वो 4 बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी। बल्दिया वाले मेरे को इतनी तकलीफ दे रहे, मेरी कांग्रेस पार्टी से इतनी गुजारिश है कि हमारी हेल्प करो। ये मेरे पूरे भाई बहना है सब, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलो। हमारे को इतनी मुश्किल, इतनी मुसीबत है, देखो बारिश पानी है, कहाँ घर तोड़ देते कि बोल के हम लोग यहाँ आके बैठे हुए ये पानियों में। घर में बच्चे हैं हम लोग के, हाँ छोटे छोटे बच्चे, देखने वाले कोई नहीं है, सुबह उठ के मेहनत करने वाले हम लोग। इतनी गुजारिश है हमारी कांग्रेस पार्टी से कि हमारी हेल्प करो, बस इससे बढ़के मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। ये हमारे मुनीर भाई हैं, इन्होंने हमारे घरों घर आके कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो, वोट डालो बोल के हमारे सबको डालने लगाए। हम कांग्रेस पार्टी को इसलिए लाइक करते क्योंकि उन लोग हमारे हिंदू मुस्लिम हर किसी को सपोर्ट करते हो, क्योंकि उनके हुकूमत जब तक थी हम लोग कोई चीज़ के लिए परेशान नहीं थे। आज हर वो चीज़ परेशान हो गई, हमारे घर से, हमारे ज़मीन से। ये TRS वालों को या दूसरे पार्टी वालों को क्या प्रॉब्लम है, या बल्दिया वालों को क्या प्रॉब्लम है, बिना नोटिस दिए कि आके हमारे घर तोड़ दे रहे, हम क्या करना। मेरी राहुल गांधी साहब से और अपने इतनी गुजारिश है क्या हमारी हेल्प करो, हमारे हक में फैसला सुनाओ। ये आजुक बाजुक वाले भी बहुत अच्छे हैं, मगर जो बाहर के पार्टियां वाले हैं वो क्यों आके हमारे घर, ये हमारा घर है, हमारा रहने का सब कुछ है यहाँ पे, इस चीज पे इन लोग हमारे नाजायज तकलीफ दिए तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। ये देखो ये मेरे बहना है पूरे, ये मेरे भाया है सब। हम लोग कितनी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के पेट को मार के ये जमीन लिए, उसके बाद में घर बना रहे, फिर आ रहे हमारे घर तोड़ दे रहे, तो हम करना क्या, हमारे कौन सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे सपोर्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, जो ना ये मेरा नाम मुनीर खान है, मैं माताजी नगर बेगमपेट में रहता हूँ। ये विंटर में 2016 में हम लोग लिए सो है, ये तमाम जितने भी मेरे बाजू पीछे ठहरे हो सो 2016 में हम लोग लिए सो है। 2016 से हम लोग जो है ना यहाँ पर ही रह रहे, कम से कम 100 जने रह रहे हम लोग यहाँ पर, 100 जने यहाँ पर हम लोग रह रहे सोए। और जो म्यूनसिपाली वाले हमारे को आके तो हमारे मकाना जो ना तोड़ दे रहे, इससे तीसरी वक्त हमारा डिमोलिशन हुआ सो ये उन्हें साहब। हमारे को 10 साल जो है ना TRS वाले हमको बहुत सताए थे, 3 वक्त हमारा डिमोलिशन हुआ था। तकरीबन पीछे देख रहे पूरे गरीब लोग हैं हम लोग यहाँ बसे हुए, हम लोग जो ना बहुत परेशान है। जब 2016 में FDL नेता, 2016 से 2018 तक FDL नेता, अभी FDL बता के हमारे को 18 से हमारे को बहुत परेशान कर रहे। ये वेंचर एकदम था, बराबर था, ये FDL बोल के बोल रहे 400 मीटर का फासला है किसको, वसंत सागर को हमारे को 400 मीटर का है समझे। हमारे को जो ना बहुत तकलीफों में रख रहे लोग। हमारी जो ना कांग्रेस गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हुकूमत से हमारे को जो है ना हमारा हल निकाले।
डिमोलिशन करने की वजह मुल्टी पार्टी वाले कोई नोटिस दे रहे नहीं हमको, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या भी नहीं कर रहे, आ रहे डिमोलिशन कर दे रहे, FDL है फलाना है, बल्कि FDL हमारे पास नहीं था, FDL में हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी, अभी FDL बता रहे हमारे TRS गवर्नमेंट के टाइम पे, हमारे को FDL बताया 2024 में भी मार्च 23 को भी हमारा डिमोलिशन हुआ था। हमारे पास जो है ना, हमारे को ये तकलीफ दे रही है हमारा गवर्नमेंट, जो है ना 220 प्लाट फेल हो गए, सोए रजिस्ट्रेशन हो गए सोए, और रेडी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, टैक्स भी पे कर रहे हैं हम लोग। मीटर करंट के है इस वक्त 70 मीटर करंट के है, जब हमारी साफ सुथरी थी हमारे को, जो है ना नाजायज हमारी आवाम को पूरे जनों को परेशान कर रही, 69 मीटर है हर महीना आ रही, क्लियर है हमारा मीटरों का बिल, क्लियर है, कोई हमारे को ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है हमारे पे, एकदम हम लोग क्लियर कट है। TRS हुकूमत पूरे तेलंगाना में पूरा सत्रोल करके रखी थी जमीनों के मामले में, हर वो चीज़ के बारे में। अब हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस वाइस हुए, मैं ए ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट हूँ सनत नगर का कांग्रेस पार्टी का। हमारे को उम्मीद करता हूँ मैं, पार्टी हमारी, हमारी पार्टी से डिमांड करता हूँ मैं, हमारे को हमारा मसला हल करे। నా పేరు స్వప్న. ఇక్కడ మేము ల్యాండ్ కొని 2017లో ఉన్నాము. అప్పటి నుంచి మేము కష్టపడి కొని ఇక్కడ కట్టిన కొద్దీ గూలగొడుతూనే ఉన్నారు, గూలగొడుతున్నారు. మేము ఎన్ని రోజులు కష్టపడి మీ గూలగొట్టిన కొద్దీ తెచ్చిపెట్టాలంటే మేము ఎక్కడి నుండి తెచ్చిపెట్టాలి? మాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, మేము కష్టపడితేనే కదా మాకు డబ్బులు వచ్చేది. ఇప్పుడు వచ్చిన ఇప్పుడు ఆ కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు అంటే అప్పుడు పోయింది, ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం అన్న మాకు చేయాలి కదా ఏదో ఒక హెల్ప్. क्लेम गए